नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। नेता प्रतिपक्ष पर रायबरेली सांसद राहुल गांधी पर मानहानि के आरोप में एमपी एमएलए न्यायालय में चल रहे मुकदमे में मंगलवार को भी गवाही नहीं हुई। परिवादी के अधिवक्ता संतोष पांडे ने बीमार होने की वजह से मौका मांगा तो विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने आज की तिथि नियत कर दी है। बता दें कि इस मामले में पेशी होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग 7 अक्टूबर से शुरू हुई। बता दें कि ये 3 दिवसीय मीटिंग आज भी चलेगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली इस मीटिंग में ब्याज दर पर फैसला लिया जाएगा। जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें डिफॉल्ट जमानत देने का अनुरोध किया। जैन ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ ईडी की जांच अधूरी है। वहीं हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के लिए मामले को 9 अक्टूबर के लिए लगा दिया। कोर्ट ने जैन के वकील को मामले में संक्षिप्त लिखित दलीलें दाखिल करने की भी इजाजत दी। हाईबॉक्स ऐप के जरिए देश भर के 30,000 से अधिक लोगों से 500 करोड़ से अधिक ठगी करने के मामले में दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने आज पूछताछ करेगी। उन्हें द्वारका स्थित IFSO कार्यालय में आज जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ सूरज पाल के सत्संग के दौरान भगदड़ और लापरवाही के मामले में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर और 9 अन्य को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। वहीं अब इस मामले पर आज सुनवाई होगी। हारे का सहारा एवं जन जन का आस्था के केंद्र बनते जा रहे राजस्थान में सीकर जिले में रिंगस कस्बे में जयपुर सीकर मार्ग पर स्थित खाटू श्याम जी मंदिर में आज भी मंदिर के पट बंद रहेंगे। बता दें कि विशेष सेवा एवं पूजा तथा तिलक कार्यक्रम होगा, जिसके कारण श्रद्धालुओं के खाटू बाबा के पट बंद रखे जाएंगे। राजस्थान के उदयपुर में आज निःशुल्क महिला अवेयरनेस एवं फिजियोथेरेपी चिकित्सा शिविर का आयोजन होगा। बता दें कि इसका निर्णय महिला जन जागृति पूलक मंच की दूसरी मासिक बैठक स्थानीय दिगंबर जैन धर्मशाला में संरक्षक किरण कोठारी एवं चयनिका मेहता की अध्यक्षता में हुई। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के लिए और शिक्षक युवाओं को रोजगार देने के लिए अलीगढ़ में आज रोजगार मेला लगाया जाएगा। सेवायोजन और रोजगार कार्यालय की देखरेख में ये मेला लगेगा। इसमें विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनियां शामिल होंगी। युवाओं का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। राजस्थान के पाली में चीमा बाई संचेती बालिका उमावी पैकेज कॉलोनी में जिला स्तरीय विज्ञान मेले की तैयारी को लेकर बैठक हुई। डीओ राहुल राजपुरोहित ने अध्यक्षता की। एडीओ रामलाल कुमावत ने बताया कि जूनियर वर्ग कक्षा 6 से 8 और सीनियर वर्ग कक्षा 9 से 12 के लिए मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। झारखंड में अभी बारिश से राहत के आसार नहीं है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार आज कई इलाकों में बारिश का दौर फिर से शुरू हो सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश के लिए अलर्ट भी जारी किया है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो आइए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। आज ही के दिन 1897 में स्वतंत्रता सेनानी और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री मिंजुर भक्त वत्सलम का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1962 में अफ्रीकी देश युगांडा गणतंत्र बना। आज ही के दिन 2006 में भारतीय राजनेता काशीराम का निधन हुआ था। आज ही के दिन सन 2006 में गूगल ने यूट्यूब के अधिग्रहण की घोषणा की थी। आज ही के दिन सन 2007 में चीन ने भारत पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।